चिल्ड्रन, आई एम राहुल प्राशर। अभी भी कुछ बच्चे काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, बट अब इसके बाद फिर अब हम लोग रुकेंगे नहीं, ठीक है? अभी तक हमने जिसको भी एंट्री करनी थी काफी लेट हमने अलाउ कर दिया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस, ओके? देखो बच्चों, अभी लॉकडाउन के दौरान अभी जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं, राइट, इसको कैसे इफेक्टिव तरीके से अपने करियर में यूज करना है, इसके लिए मैंने छोटा सा एक पीपीटी तैयार किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट? सो चिल्ड्रन, आप अगर चाहें तो आप अपना ये ऑफ भी कर सकते हो, राइट? यू कैन टर्न ऑफ ऑल दिस, ओके, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, राइट? सो आई होप यू कैन लुक इनटू माय स्क्रीन, एप्टीट्यूड प्लेसमेंट, ये आपको दिख रहा होगा, प्लेसमेंट एप्टीट्यूड, ठीक है? यू कैन हैंड रेज, आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हो, दैट इज ओके, राइट? एब्सोल्युटली फाइन, गुड। सो सी, देयर आर टू वर्ड्स, राइट, इस पे हमने कई बार आप लोग आप में, आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू जिनको मैंने पढ़ा रखा है, मैं बाई फेस पहचान रहा हूँ, राइट? अमन को मैं पहचान रहा हूँ, रेखा को पहचान रहा हूँ, सुधांशु इज अ वेरी रेगुलर स्टूडेंट, काफी रेगुलरली टच में रहेंगे, कई सारे लोगों को मैं बाई फेस बिल्कुल पहचान रहा हूँ, ठीक है? तो आई एम श्योर यू आर नॉट, आई एम नॉट न्यू टू यू, यू आर नॉट न्यू टू मी, ठीक है? तो जो कम्युनिकेशन है वो टू वे रखने की कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल, राइट? तो प्लेसमेंट एप्टीट्यूड में देखो बच्चों, अभी क्या है कि दो वर्ड्स हैं, एक तो प्लेसमेंट है, एक एप्टीट्यूड है। हमारा ज्यादा फोकस जो है वो प्लेसमेंट वर्ड पे जाता है, क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट वर्ड से हमें ये लगता है कि भाई जॉब मिल जाएगी, राइट? मेरा आज के इस सेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आपका फोकस एप्टीट्यूड पे जाना चाहिए, राइट? अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा होगा तो आपकी जॉब ऑटोमेटिकली अच्छे से लग जाएगी। जॉब क्या, तुम अगर बिजनेस करोगे तो तुम बिजनेस भी बहुत अच्छा करोगे, तुम किसी सरकारी संस्था में कहीं कुछ रिप्रेजेंट कर, तुम जहां जाओगे वहीं अच्छे रहोगे। एप्टीट्यूड इज सो डैम इम्पॉर्टेंट, राइट? एप्टीट्यूड इज सो डैम इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज बहुत क्लियरली ध्यान रखना बच्चों, कि आप अगर कभी भी इन चीजों को अपने लेवल पे आ रहे हो लेकर के, राइट, अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात है, चलो कोई बात नहीं, दैट इज ओके। तो सारा फोकस किस पे रखो, एप्टीट्यूड पे। एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैंने कई बार डिस्कस की है, बट हाँ अभी हो सकता है आप में से कुछ लोग पहली बार जुड़ रहे हो मेरे साथ, तो मैं आपको ये बताऊं, एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आप अगर देखें IAS है, राइट, या फिर आपका जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, जितने भी कॉर्पोरेट जॉब्स होते हैं, हर जगह पे आपको एप्टीट्यूड ही पूछा जा रहा है, राइट? हर जगह पे एप्टीट्यूड पूछ रहे हैं, सबसे पहले एप्टीट्यूड पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, आपने शायद अगर अखबार पढ़ा है तो IIT के एंट्रेंस में भी अब सबसे पहले एप्टीट्यूड ही पूछेंगे, उसके बाद फिर PCM की वो चेकिंग करेंगे, राइट? PCM की भी जो टेस्ट हो गए वो उसके बाद करेंगे। तो एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इस पर हमने कई बार चर्चा कर रखी है और अभी भी हम इसी से शुरुआत कर रहे हैं, ओके? एक चीज मैं और जानना चाहूंगा बिफोर आई स्टार्ट दी क्लास, आप में से कितने लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं? यू कैन रेज योर हैंड, जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जस्ट सिर्फ हाथ ऊपर कर दो, माइक यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यूज योर हैंड रेज ऑप्शन। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जस्ट रेज योर हैंड, राइट? बिकॉज मुझे बताया गया है कि कुछ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और कुछ MBA वाले स्टूडेंट्स भी हैं, ओके? या फिर नॉन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, एक बार जरा मुझे हैंड रेज करके बताओ। तो क्या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सिर्फ हमारे पास, देयर आर जस्ट 3, 4, 5 स्टूडेंट, दैट्स ऑल, सिर्फ पांच ही बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के? जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, राइट, किसी भी ब्रांच से, एनी ब्रांच, क्या उस सिर्फ पांच ही बच्चे हैं ऐसे जो सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के? ओनली 5 स्टूडेंट्स? वेल ओके, नो प्रॉब्लम, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। देखो बच्चों, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, एप्टीट्यूड तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आइए, लेट अस सी हाउ शुड वी गो अबाउट दिस, लेट्स सी। द फर्स्ट थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट? अब देखो, जो आने वाला टाइम है ना, बल्कि जो ये टाइम आ गया है, अब इसमें अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये सबके पास बराबर है। आप चाहे दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, बरेली के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, या बिसलपुर के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अब जो अपॉर्चुनिटी है वो, सर समझ नहीं आ रहा, राजेश गट्टू, भाई राजेश गट्टू तुम अभी तो आए हो, अभी क्या समझ में आएगा? यू हैव ज्वाइन वेरी लेट, ओके?
तो लिसन केयरफुली, आपको समझ में आएगा. ओके, आई एम श्योर आप मेरी स्क्रीन भी देख पा रहे हैं और आप मुझे सुन भी पा रहे हैं. ठीक है, अगर इनकेस आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो वाला है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए और फिर आप आसानी से मुझे देख भी पाओगे और सुन भी पाओगे. राइट, इफ योर डेटा स्पीड इज स्लो प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो, तो आप ज्यादा अच्छे से मेरे वीडियो को और मेरे स्क्रीन को एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है, दैट इज योर चॉइस. आपका डेटा भी सेव होगा और आसानी से सारी चीजें क्लियरली समझ में आएंगी आपको. ठीक है, ओके, वेरी हाई सर, ओके, दैट इज वेरी गुड. बहुत, चलो बहुत अच्छी बात है. तो सुनो ध्यान से, अब ये जो टाइम है बेटा, COVID-19 वाला जो टाइम है, राइट, इसमें डेफिनेटली अब जो भी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है उसमें सब बराबर है. आप देख रहे हैं, बॉय है, गर्ल है, कोई बंदा है जो व्हील चेयर पे बैठा है, या फिर कोई लर्नेड व्यक्ति है, किसी भी कोई भी व्यक्ति है, वो सबके पास अपॉर्चुनिटी अब बराबर है. अब बात यह है कि कौन इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएगा. राइट, बढ़िया सी जॉब, बेस्ट जॉब किसको मिलेगी, बात इसकी. तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि अपॉर्चुनिटी बराबर है, अब जो आपकी फाइट है वो कॉलेज या सिटी लेवल पे नहीं है बेटा, अब जो आपकी फाइट है वो पूरी पूरी नेशनल लेवल पे है. राइट, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले मार्च में, 28 तारीख को मैंने बिना वेट किए हुए अपना ऑनलाइन बैच शुरू कर दिया था. 28 मार्च को मैंने अपना फर्स्ट ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया था. बढ़ते 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 कंडीशन ये हो गई कि अभी स्टूडेंट जो है वो वेस्ट बंगाल और बोकारो, पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है. राइट, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी करंट कंडीशन होती है, राइट, हम लोग मोस्ट ऑफ अस आर इंजीनियर्स, मैं कहूंगा, और जो या फिर द अदर पीपल हु आर देयर, आई एम श्योर वो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एमबीए कर रहे हैं. तो जो भी प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो एमबीए कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, राइट, आप ये ध्यान रखो कि आपको इस बदलते हुए सिनेरियो में अपने आप को सूटेबल बनाना है. ध्यान रखना, जॉब हमेशा बेस्ट पर्सन को नहीं मिलती है. द बेस्ट पर्सन डजंट गेट द बेस्ट जॉब, इट इज द मोस्ट सूटेबल पर्सन हु गेट्स द जॉब. If you are suitable for that job, you'll get it. Otherwise, you won't get it. Okay? It is not just about just being the best. Okay? सिर्फ best बनने से काम नहीं होता है. हमें साथ साथ उसके लिए suitable होना पड़ता है. अगर हम उसके लिए most suitable हैं, ठीक है, तभी वो job हमें मिलती है. Okay? तो opportunity जो है वो सबके लिए बराबर है. ये बातें हमें समझ में आती हैं. Right? एक चीज और यहाँ पे before we start this, मैंने इसमें ये screen पे लगाया है, survival of the fittest. राइट, अब देखो ये जो टाइम है ना बेटा, इसमें आपको हर एंगल से फिट बैठना है. हर एंगल से मतलब हर एंगल से. आपको पढ़ाई में अच्छा रहना है, क्योंकि अब आप यहाँ बरेली में बैठ के ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, चाहे TCS है, चाहे इंफोसिस है, या फिर एक्सेंचर है, या माइक्रोसॉफ्ट है, या गूगल है. राइट, अब तो हर कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है ना. ऑलमोस्ट 90% ऑफ द थिंग्स आर बीइंग कनेक्टेड ऑनलाइन. राइट, पहले भी हो रहा था और अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है. ठीक है, तो अब अपॉर्चुनिटी आप सबके पास बराबर है. राइट, जो फोन आप यूज कर रहे हो शायद उससे थोड़ा सा बेहतर फोन या वैसा ही फोन कोई दिल्ली बैठ के भी यूज कर रहा है, कोई न्यूयॉर्क में भी बैठा कोई वैसे ही व्यक्ति वैसे यूज कर रहा है. अपॉर्चुनिटी बराबर है, बट इस अपॉर्चुनिटी को अवेल वही करेगा हु इज फिट इन एवरी पॉसिबल सेंस. राइट, जो हर पॉसिबल सेंस में फिट है वही उसको यूज कर पाएगा. फिटनेस का मतलब फिजिकल फिटनेस से नहीं है, फिटनेस का मतलब इस चीज से है कि आप मेंटली उस जॉब के लिए तैयार है कि नहीं. राइट, अभी से 3 साल पहले मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में एज अ यंग डेलीगेट मुझे बुलाया गया था, एज अ एकेडमिक डेलीगेट मुझे वहां बुलाया गया था. देयर वाज अ इंडस्ट्री एंड एकेडमिक मीट, जहाँ पे इंडस्ट्री के लोग भी थे और जो एजुकेशन के लोग हैं वो भी थे वहां पे. तो वहां पे एक बात उन्होंने इसके इंटेल के इंडिया हेड थे मिस्टर राजेश. राइट, मिस्टर राजेश, आई डोंट रिमेम्बर हिज सरनेम. राइट, मिस्टर राजेश, आई डोंट नो, अरोड़ा या कुछ थे. राइट, तो उन्होंने एक बात कही थी मुझे, वो लाइन बड़ी अच्छी लगी थी और मैं अक्सर बच्चों के साथ ये शेयर करता हूँ कि, और अभी से 3 साल पहले बात कही थी, 3 या 4 साल हो गए इस बात को. उन्होंने ये बात तब कही थी कि अब जो टाइम है उसमें यंग जनरेशन को, ही वॉज फ्रॉम इंडस्ट्री, राइट, आई एम फ्रॉम एकेडमिक इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज के थे. राइट, वो ये बता रहे थे आज की जो जनरेशन है उसमें इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए दैट यू नीड टू लर्न, forget and relearn. If you are okay with these 3 things, you are good for the coming world. You are good for the coming world, right? आने वाले समय के लिए आप बिल्कुल suitable हैं और आप हर चीज को properly समझ रहे हैं. ठीक है, तो इस बात को आप समझें. क्या बोला मैंने? Learn, forget and relearn. अब मैंने सीखा कि हाँ मुझे एप्टीट्यूड पढ़ाना है. ठीक है, मैंने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया. ओके, बहुत बढ़िया. फिर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया. बहुत बढ़िया, शाबाश.
अब ना मेरे पास ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने का अवसर मिल रहा है ना व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने का अवसर मिल रहा है, अब कैसे पढ़े? अगर वो उस पर पढ़ा भी रहे हैं तो बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है। तो उसी तरीके से पहले हमारे टाइम पे क्या था, पहले जावा था, राइट, पीएचपी था, फिर जो है आपका जावा था, पीएचपी था, उसके बाद फिर एंड्रॉइड आ गया, राइट। हमेशा जो प्लेटफॉर्म है वो चेंज होता रहा है, राइट, एवरी टाइम इट हैज चेंज्ड। तो आपको कहीं ना कहीं ये बात समझनी है, ऐसा नहीं है कि आपने जो सीख लिया उसी को आप लाइफ लॉन्ग करते रहोगे, अब वो एरा नहीं है बेटा, दिस इज नॉट द टाइम। अब सिर्फ और सिर्फ यही टाइम है कि आपने जो अपॉर्चुनिटी सामने आपको दिख रहा है और आने वाली है उस पे आप इमीडिएटली उसको सीखो और अप्लाई करना शुरू करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने लिए सही कर रहे हो, और अगर आप वो ढूंढ रहे हो कि नहीं मुझे ये आता नहीं है, मुझे वो आता है, उस वाली जॉब को मैं ढूंढूं, तो आप गलत कर रहे हैं, राइट। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप उसी जॉब में जाएंगे, वहीं पे सीखेंगे जो अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली आपकी जो पुरानी नॉलेज है, आपकी जो पुरानी स्किल्स है, वो कहीं ना कहीं काम आती है, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से मेरा क्या मतलब है, आई होप यू कुड अंडरस्टैंड, ठीक है। यू हैव टू बी फिट इन द कमिंग सिनेरियो, राइट। यू आर गोइंग टू कॉम्पीट एट ऑल एटलीस्ट नेशनल लेवल, बच्चों। अब जो ये कोविड का जो वर्ल्ड है, इसमें कम से कम आप नेशनल लेवल पे तो कॉम्पीट कर ही रहे हैं, राइट। हो सकता है तुम ग्लोबल लेवल पे भी कॉम्पीट करो। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ऑनलाइन, दैट अभी से यूएसए में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंडिया से ज्यादा पे कर रहे हैं। तो क्या उसको हम अवेल नहीं कर सकते यहाँ बैठे बैठे? डेफिनेटली कर सकते हैं ना, राइट। हम यहाँ बैठे बैठे अगर हम किसी इंडियन कंपनी के लिए वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो हम यूएसए कंपनीज के लिए भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। डिपेंड्स हमें क्या सूट कर रहा है, राइट। अगर हम उनके लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं और अगर वो हमें एक अच्छा सा ऑफर दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे? वी विल, राइट। तो अब डेफिनेटली द वर्ल्ड हैज गॉन व्हाट, ग्लोबल। अब एक ग्लोबल है, आप घर बैठे बैठे ग्लोबल हो रहे हो, आप घर पे बैठे हो और आप ग्लोबल हो, राइट। प्रोवाइडेड यू आर वर्किंग फॉर देम, प्रोवाइडेड यू आर वर्किंग एट दैट स्टैंडर्ड। तो तुम्हें अपना स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा हर लेवल पे, जो भी काम कर रहे हो उसमें तुम्हें अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, तुम्हें टेक्निकली तो अब अच्छा होना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज द टेक्नोलॉजी विच इज कमिंग इनटू रोल, राइट। एवरीवन इज यूजिंग टेक्नोलॉजी। माई फादर इज अ रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम बैंक, एंड आजकल वो भी जो है जूम पे मीटिंग्स लेते हैं, मीटिंग्स करते हैं अपनी, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहे हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर यू, ओके। Now, before I proceed ahead, there are something we need to have the best intellect and attitude accordingly. बिल्कुल सही बात है सर, बिहारी में बात करिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है राजेश, Intel India head, it all depends how you making ourselves capable. Right, right, right. बिल्कुल सही बात है, राइट। आप किस तरीके से अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है। चलिए, सी फाइंडिंग द राइट मेंटोर, आई वुड से आप बहुत लकी हैं कि आप जिस कॉलेज में बैठे हैं वहां पे the person at the helm of the affairs, he definitely gives it a very very sincere try ki wo aapke liye hamesha kuch na kuch behtar karne ki koshish karte rehte hain, right. Situation kaisi bhi rahi ho, aapne ye dhyan diya hoga, we must appreciate the person who is trying to give you the best possible thing, right. To aapke paas already ek acha mentor hai, aur ek acche mentor ki zarurat definitely hoti hai. Dekho, mehnat karke definitely achievements milti hain, right, aur mehnat karke hi milti hain. Lekin तुम्हें इस बात को बहुत अच्छे से समझना है और मानना है कि मेहनत के साथ साथ आपके साथ अगर एक गाइड है जो आपको ये बता रहा है कि हम मेहनत की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, तो तुम उस चीज को जल्दी अचीव करोगे और बेहतर अचीव करोगे, ठीक है। तो राइट मेंटोर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हमें समझना है। वेल ओके, नाउ आई विल कम टू द टॉपिक नाउ विच इज एप्टीट्यूड, राइट। मैं स्ट्रेट अवे भी अपनी टॉपिक पे आना चाहूंगा। देखिए, जो लोग नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए मैंने लेफ्ट साइड पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है। ये वो देखो बेटा, क्योंकि तुम जो भी करने जा रहे हो, हाँ बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। स्क्रीनशॉट भी मत लो, मैं इसका पीडीएफ नितिन सर को फॉरवर्ड कर दूंगा, इस पूरे जो मैं आपको पीपीटी दे रहा हूँ, जो चीजें मैं लिखूंगा वो तुम्हारा लिखने का दिल करे तो लिख लेना, जो पहले से इस पे प्रिंटेड है वो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। मैं एज इट इज ये पूरा पीडीएफ नितिन सर को फॉरवर्ड कर दूंगा और आप उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे ले लेंगे, ठीक है। यू कैन Take that from that, ठीक है। प्लेसमेंट से आप ये carry forward कर लीजिएगा, तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, okay? Left side पे जो topics लिखे हैं, देखो बच्चों, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास काम कितना है एप्टीट्यूड में अच्छा करने के लिए, ठीक है। एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, ये बात हम लोग समझ चुके हैं, कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, बट उसमें काम कितना करना पड़ेगा इस बात को भी देखना पड़ेगा। जो लेफ्ट साइड पे ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, whether it is time and work, calendar, profit and loss, allegation, percentage, राइट, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास अपने कॉलेज में ले रखी है, तो
तो आपने देखा होगा कि इन सब की काफी बातें हमने पहले भी कर रखी है, राइट? तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको हर जगह पे मिलेंगे. व्हेन आई से हर जगह, आई मीन हर जगह, राइट? दैट मींस वेदर यू गो फॉर IAS, वेदर यू गो फॉर CAT, वेदर यू गो फॉर GMAT, GRE, तुम बैंकिंग, SSC, तुम किसी भी चीज में जाओगे ना, तुम इंफोसिस का टेस्ट दोगे, कहीं पे भी जाओगे तो तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड ये जो टॉपिक्स हैं, जनरल टॉपिक्स ऑफ एप्टीट्यूड, राइट, ये तुम्हें हर जगह मिलेंगे. हाँ, जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, राइट, उनको थोड़ा इस बात को समझना पड़ेगा कि जहां पे इंजीनियरिंग के बच्चों का टेस्ट चल रहा होता है, वेदर इट इज प्लेसमेंट टेस्ट या फिर गेट की बात करें हम लोग, इंजीनियरिंग वाले बच्चे गेट में भी जाते हैं, ई लिटमस देते हैं, AMCAT देते हैं, बहुत तरह के और भी दूसरे एग्जाम्स होते हैं जो वो देना होता है, तो उनके लिए कुछ अलग से मैंने टॉपिक्स राइट साइड पे मेंशन कर दिए हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, कि ये वो टॉपिक्स हैं जो स्पेशली बीटेक के प्लेसमेंट एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, राइट? जैसे नंबर सिस्टम हो गया, रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, फैक्टर्स वाले होते हैं, फैक्टोरियल्स वाले होते हैं, वो नंबर सिस्टम में आते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, प्रोबेबिलिटी, क्रिप्टोग्राफी, ये जो थर्ड फोर्थ टॉपिक है ऊपर से क्रिप्टोग्राफी, राइट, ये जनरली मैंने देखा है दो एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं, एक तो इलिटमस का एक एग्जाम होता है जहां पे मैंने देखा है इसको पूछते हैं, और एक CSAT जो IAS का एग्जाम होता है वहां पूछते हैं, और कोई तीसरे एग्जाम में मैंने क्रिप्टिक क्वेश्चंस नहीं देखे, बट हां ये दो एग्जाम में क्रिप्टोग्राफी के क्वेश्चंस डेफिनेटली होते हैं, ठीक है? अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन में 2D और 3D, ये आपका वो सिलेबस है कि जिसको आपको मास्टर करना है अगर आप सही तरीके से एप्टीट्यूड के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं. तो पहले तो काम डिफाइंड होना चाहिए कि कितना काम करना है. तो ये है भाई काम तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे स्क्रीन पे है, इसका PDF मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? ये लेक्चर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं YouTube पे शेयर करके इसका लिंक सर के साथ शेयर कर दूंगा, आप प्लीज उसको भी एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, इवन आफ्टर द क्लास. सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास और क्या. अच्छा ठीक है, यहाँ से तो चलो भाई ये पढ़ाई शुरू हो गई, तो अब मैं अपनी चेयर पे बैठता हूँ और अपना पेन उठाता हूँ, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोरोना एक वर्ड है, मैंने राइट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, राइट, अगर कोरोना वर्ड को मैंने जब कोड किया तो उसका कोड आया EQ, दिस इज योर कोड, राइट? कोरोना वर्ड का ये मेरे पास क्या कोड आ गया, EQTQPC. तो अगर मैं इसी कोडिंग स्कीम में वायरस का कोड करूंगा, आई होप आप सब लोग पेन पेपर के साथ बैठे हो, ठीक है? जब भी क्लास के लिए बैठते हो बिल्कुल उसी डिसिप्लिन के साथ बैठा करो जैसे आप क्लास में बैठते थे, ठीक है? तो यूज द पेन एंड पेपर, फोन अपना हॉरिजॉन्टल रखना, ठीक है? हॉरिजॉन्टल रखना, वर्टिकल मत रखना, हॉरिजॉन्टल रखोगे तो स्क्रीन स्पेस ज्यादा मिलेगा, तुम ज्यादा चीजों को देख पाओगे, ठीक है? बेसिक बिल्कुल टेक्निकल बातें हैं जो आप में से कई लोग ऑलरेडी जानते हैं, है ना? तो यूज योर हॉरिजॉन्टल, यूज योर फोन हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली अगर आप रखेंगे तो आपको स्क्रीन स्पेस कम मिलेगा, ठीक है? हॉरिजॉन्टली रखो, ज्यादा स्पेस मिलेगा, ज्यादा बेहतर देख पाओगे, पढ़ाई बेहतर होगी. ओके, तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या दिया कि अगर कोरोना के लिए EQTQPC है तो बताओ वायरस के लिए क्या होगा, व्हाट इज द कोड फॉर वायरस, राइट? तो मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो. सिमिलरली कोरोना के लिए अगर तीन मैंने अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं, राइट, सिमिलरली मेरे पास DQUSSK है एंड द थर्ड वन इज देयर, तो किसमें क्या हमारे पास होगा ये चीज हमें बतानी है. आप चैट बॉक्स यूज कीजिए, राइट, प्लीज यूज द चैट बॉक्स, राइट राइट. अनितेश हैज गिवन सम आंसर्स, वेल अनितेश, देखो बच्चों मैं इस चीज को आपके साथ सॉल्व करके डिस्कस करता हूं, राइट, दिस इज वेयर वी आर, राइट? देखिए भाई, प्लीज लिसन ऑल ऑफ यू वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली. देखो बच्चों, एक घंटे की क्लास में मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा तो नॉलेज शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ कोशिश ये करूंगा कि नॉलेज को कैसे तुम बढ़ाओगे इसकी मैं पूरी बात इस एक घंटे में कर सकूं, ठीक है? इसलिए आप बहुत ध्यान से हर चीज सुनने का प्रयास कीजिएगा. अब ये पहला क्वेश्चन था कि अगर कोरोना की कोडिंग EQTQPC है तो बताओ वायरस की कोडिंग क्या होगी. देखो बेटा, आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं, किसी भी एग्जाम में जाते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, आप में से कुछ लोग आंसर दे पा रहे हैं, राइट? तीन क्वेश्चंस हैं, तीनों को ट्राई कर लीजिए, राइट, तीनों को ट्राई कर लीजिए. और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया एक घंटे में सारी टीचिंग तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ बातें काफी कॉम्प्रिहेंसिव होंगी जो कि आपके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होंगी, ओके? तो
इसमें जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास एग्जाम के स्टार्टिंग में, चाहे आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं या फिर ऑफलाइन एग्जाम देते हैं, आपके पास स्टार्टिंग में 5 से 15 मिनट का समय होता है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होते हैं, फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, राइट। उस 5 से 15 मिनट में बच्चों, राइट, उस 5 से 15 मिनट में आपको ये ध्यान देना है कि आप वो जो काम आपसे उम्मीद की गई है वो जनरली 2 से 5 मिनट के अंदर वो काम हो जाता है। जो भी काम है, चाहे वो पेपर ओएमआर फिल करना है, इंफॉर्मेशन डालनी है, साइन करना है, या ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, जनरली 2 से 5 मिनट में वो आपका काम फिनिश हो जाता है। उसके बाद आपके पास जरूर से 5-10 मिनट का टाइम होता है, 5-7 मिनट का टाइम तो डेफिनेटली होता है, जिसमें अक्सर जो थोड़े कम सिंसियर बच्चे होते हैं वो टाइम पास कर रहे होते हैं। बट क्योंकि आप सिंसियर हैं और आपको चीजों को क्लियर करना है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप एग्जाम से पहले ही अल्फाबेट कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। यू विल राइट द अल्फाबेट्स इन दिस पैटर्न, ठीक है, आप इस तरीके से अल्फाबेट्स लिख लेंगे, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा बेटा, इससे हमारे पास क्या फायदा होगा, ये ध्यान से देखो, ये वर्ड बन गया मेरे पास इजोटी, E-J-O-T-Y, इजोटी, राइट। अब इससे क्या फायदा है, कहीं ना कहीं पोजीशन, अब जैसे ये तो बहुत इजी था, फर्स्ट क्वेश्चन वो मीनिंग ऑफ इजोटी, राइट, सेकंड भी आपका काफी इजी था, थर्ड में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, राइट। आई डोंट नो अगर किसी ने थर्ड का आंसर मुझे भेजा है, फर्स्ट सेकंड का कई लोगों ने, बल्कि फर्स्ट का ही भेजा है सबने, सेकंड और थर्ड का भी नहीं भेजा, जबकि सेकंड तो इजी है। चलो कोई बात नहीं, मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखिए, राइट बच्चों, इसमें क्या है, मैंने क्या बोला कि स्टार्टिंग के 5-7 मिनट जिसमें लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस समय आपको क्या करना है, आपको ए बी सी डी अल्फाबेट्स इस तरीके से लिख लेने हैं। क्योंकि आप जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम दोगे उसमें कोडिंग डिकोडिंग, या फिर आप ये समझ लें कि जो ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन होते हैं, राइट, ऑड वन आउट वाले, ऑड वन आउट, और सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं अल्फाबेट सीरीज के, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इस एबीसीडी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आप इसको रटने की बजाय, मैं कभी नहीं मानता हूं कि कोई भी चीज एप्टीट्यूड में या मैथमेटिक्स में रटनी चाहिए, हर चीज को आपको समझना चाहिए और उसका एक ऐसा लॉजिकल तरीका एस्टैब्लिश करना चाहिए जो कि आप हमेशा उसको यूज कर सको, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले 5-7 मिनट में ए से लेके जेड तक इस पैटर्न पे लिख लें। इसका फायदा ये है कि मेरे सामने ये चीज, और ये कहां लिखोगे, रफ पेपर में लिखोगे, रफ पेपर तुम्हारे पास होता है, राइट, आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसे हैं, आप रफ पेपर में उसको यूज कर सकते हैं। संचित इज रेजिंग हिज हैंड, डू यू वांट टू स्पीक समथिंग संचित? संचित कुछ बात करनी है क्या? सर हाँ बोलो सर, मीनिंग ऑफ एजोरिटी? देयर इज नो मीनिंग ऑफ एजोरिटी बेटा, ये सिर्फ एक सिस्टम है जिससे कि आप ये अल्फाबेट के नंबर्स याद रखेंगे, जैसे ई से 5 हो, ये 5 के मल्टीपल्स हैं, ई का पोजीशन कितनी है, 5th पोजीशन है, इसकी 10th है, इसकी 15th है, इसकी, ये एजोरिटी कोई वर्ड नहीं है, ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये कोडिंग डिकोडिंग में और इस तरह के ऑड वन आउट अल्फाबेट सीरीज वाले सिस्टम में एक ट्रिक है जिससे कि आप जो है चीजों को बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे, ठीक है संचित? ओके, यस सर। हाँ, अब सुनो ध्यान से, तो ये चीज जैसे तुमने लिख ली तो इन क्वेश्चंस को देखने में बहुत इजी, तुम्हें कुछ याद नहीं करना पड़ा, ये तुम्हारे पास रफ में तुमने लिख लिया स्टार्ट एग्जाम शुरू होने से पहले ही, ठीक है, क्योंकि इस पे एक आध क्वेश्चन मिलना ही है, या तो कोडिंग डिकोडिंग का मिलेगा, ये ऑड वन आउट का मिलेगा, ये अल्फाबेट सीरीज का मिलेगा, कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये तुम्हें टकरा ही जाएगा किसी भी एप्टीट्यूड के एग्जाम में, ओके। तो ये अगर आपने पहले से लिख रखा है तो इसका ये फायदा है कि सी से ई दिख रहा है, ठीक है भाई, सी से ई दिख रहा है मतलब प्लस टू हो रहा है, ई से ओ से क्यू हो रहा है, ओ से क्यू मतलब फिर से प्लस टू हो रहा है, आर से टी फिर से प्लस टू हो रहा है, तो यहाँ हमें समझ में आ गया कोडिंग स्कीम क्या, प्लस टू। तो वी से अगर मैं प्लस टू करूंगा तो कितना पहुंच गया, एक्स, आई से प्लस टू करूंगा तो क्या हो गया, के, R से अगर प्लस टू करता हूँ, R से प्लस टू करता हूँ तो ये आ गया T, U से प्लस टू करूंगा तो आ गया W, और S से अगर मैं प्लस टू करता हूँ तो that is coming out to be U, right? तो most of you have given me the answer correctly. It is what? X, K, T, W, U, right? If corona is coded at this, then what is the code for virus? It is X, K, T, W, U, right? That is the code for virus. तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए थी, ये आप में से कई लोगों ने सही किया है। मैं सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन की तरफ रखूंगा, राइट, और ध्यान रखना, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, समझ सिर्फ हमारी इस पे नहीं होनी चाहिए कि आंसर क्या है, समझ इस चीज पे होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में कुछ चेंज भी हो जाता है तो हम उसको कैसे डील करेंगे, राइट। तो एक चीज तो ये समझ में आई, देखो इसके जो तुम्हारा सोचने का प्रोसेस है, बार बार ये कहता हूं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस अगर अच्छा है तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा,
राइट. आपने कई बार ये मोटिवेशनल कहानी सुनी होगी कि एक ईगल होता है, राइट. ईगल होता है, जब बारिश होती है तो वो जो है बादलों से ऊपर उड़ने लग जाता है, और जो छोटी छोटी चिड़िया होती है वो शेल्टर ढूंढने शुरू कर देती है, राइट. प्रॉब्लम सेम है लेकिन उसका सोल्यूशन अलग है, राइट. आपका एटीट्यूड मैटर करता है कि आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन सबके लिए सेम है, लेकिन वो किस तरीके से उस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु ट्राइज एंड द पर्सन हु विंस. ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर कि आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए. अप्रोच बहुत ज्यादा मैटर करती है बेटा, राइट. देखिए अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. सी की जगह पे डी आ गया, ओ की जगह पे क्यू आ गया, आर की जगह पे यू आ गया, ओ की जगह पे एस आ गया. अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, दो बार ओ है कोरोना वर्ड में, यहाँ पे भी क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है, राइट. कोई भी चीज अगर चेंज नहीं होती है तो उसको हम लोग स्टैटिक कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टैटिक. कोडिंग डिकोडिंग में भी एक टाइप होता है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक कोडिंग. यानी जो पहला क्वेश्चन है वो स्टैटिक कोडिंग पे बेस्ड है. ओ के लिए जो कोड हमारे पास क्यू है, यहाँ पे भी ओ के लिए कोड क्या हमारे पास क्यू ही है, राइट. सिस्टम क्या है, ये स्टैटिक कोडिंग क्या है, लेकिन यहाँ पे ओ के लिए क्यू हो गया और यहाँ पे ओ के लिए हमारे पास क्या हो गया, एस हो गया. तो ये स्टैटिक कोडिंग नहीं है, यहाँ कोडिंग स्कीम चेंज हो रही है. इसको मैं कौन सी कोडिंग स्कीम से नाम दूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज डायनेमिक कोडिंग. विल कॉल इट एज डायनेमिक कोडिंग, हम इसको डायनेमिक कोडिंग कहेंगे, ठीक है, क्योंकि कोडिंग स्कीम चेंज हो रही है. ठीक है. तीन तरह की कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं बेटा, एक स्टैटिक, एक डायनेमिक और एक पजल्ड, राइट. मैक्सिमम जो एग्जाम में हमें दिखता है वो ये टाइप टू और टाइप थ्री ज्यादा दिखता है, ठीक है. टाइप वन के क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, ठीक है, बिकॉज ये बहुत इजी है. जनरली जो क्लैरिकल एग्जाम्स होते हैं अलग अलग जगह पे, वहां पे टाइप वन आपको दिख सकता है, राइट. अदरवाइज जनरली आपको टाइप टू और टाइप थ्री ज्यादा दिखेंगे. अब ये तो पता लग गया, कैसे पता लगा कि ये डायनेमिक है, क्योंकि हमने देखा ओ के लिए एक बार क्यू है और दूसरी बार ओ के लिए एस है. तो अगर कोडिंग स्कीम चेंज हो रही है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं डेफिनेटली बोलूंगा दैट यस थिंग्स आर डिफरेंट. ओके. अब यहाँ पे देखते हैं, डी के लिए क्यू हो गया, ओ के लिए डी के लिए सी के लिए डी हो गया, ओ के लिए क्यू हो गया, आर के लिए यू हो गया. हो क्या रहा है, यहाँ पे प्लस वन हुआ, यहाँ प्लस टू हो रहा है, आर के लिए यू, देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो गया, प्लस थ्री हो गया. सिमिलरली ओ के लिए, इस वाले ओ के लिए प्लस फोर हो रहा है, राइट. एस पे पहुंच गए. एन के लिए प्लस फाइव एंड ए के लिए प्लस सिक्स. तो आपको समझ में आ गया कोडिंग स्कीम क्या हो रही है, हर बार प्लस वन से इंक्रीज करती जा रही है. तो अगर मैं वी की बात करूं तो वी के लिए प्लस वन होगा, प्लस वन होगा तो कहाँ पहुंचेंगे, डब्ल्यू पे पहुंचेंगे. आई के लिए प्लस टू होगा, प्लस टू होगा तो कहाँ पहुंचेंगे, के पे पहुंचेंगे, ठीक है. आर के लिए प्लस थ्री से कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, यू पे पहुंच जाएंगे. और यू के लिए प्लस फोर, जब यू के लिए प्लस फोर करेंगे तो वन टू थ्री फोर, दैट इज व्हाट, दैट इज वाई. एस के लिए प्लस फाइव, प्लस फाइव का मतलब हो गया एक्स पे आ, ठीक है. तो सेकेंड कोडिंग स्कीम में वायरस की जो हमारे पास कोड है वो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू के यू वाई एक्स, राइट. आप में से कई लोगों का आंसर सही है, मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ, राइट. मोस्ट ऑफ यू हैव डन द आंसर. और थर्ड का भी आंसर अनुराग ने दिया है, चलो अनुराग चेक करते हैं सही है गलत है, राइट. बस अनुराग ने दिया है थर्ड का, अनितेश ने भी दिया है, ओके. और अनितेश और अनुराग का जो आंसर है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, चलो गुड. देखते हैं दोनों का आंसर सही है गलत है. देखो भाई अब कैसे अप्रोच करना है, जैसे मैंने आपको और बताया अप्रोच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है. अब यहाँ मैंने देखा कि भाई ये ओ है, ओ के लिए इन्होंने एल यूज किया, फिर से ओ है, फिर से ओ के लिए एल यूज हुआ, तो ये कौन सा कोडिंग टाइप है, स्टैटिक कोडिंग टाइप है, राइट. द कोडिंग टाइप इज स्टैटिक कोडिंग टाइप. अब बात आई, ठीक है स्टैटिक है तो इसका कोडिंग स्कीम है क्या, ये देखें, प्लस वन प्लस टू क्या है, चल क्या रहा है. तो ये दिखता है मुझे सी की पोजीशन आगे से थ्री है, थर्ड पोजीशन पे अल्फाबेट में. और एक्स देखता हूं तो ये तो बहुत पीछे है, ये 25, ये 24वें नंबर पे है. लेकिन अगर मैं पीछे से देखता हूँ तो पीछे से एक्स थर्ड पोजीशन पे है. देख ध्यान से देखो, जेड फर्स्ट है, वाई सेकंड है और एक्स थर्ड है, ये सुन लो, राइट. तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम समझ में आता है. एक और आगे देख लो, मान लो जैसे मैं ओ की बात करता हूँ, ओ की पोजीशन आगे से कितनी है, 15, क्योंकि ये सामने आपके पड़ा हुआ है एबीसीडी का लिखने का तरीका, तो आपको ये कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है. इसलिए मैंने पहले कहा एग्जाम से पहले इसको लिख लेना, इस पे क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं, ओके. 90% तुम्हें एक से तीन क्वेश्चन इस पे मिल ही जाएंगे, एक से तीन क्वेश्चन, इंक्लूडिंग कोडिंग डिकोडिंग, इंक्लूडिंग ऑड वन आउट, इंक्लूडिंग अल्फाबेट सीरीज, ठीक है. मतलब ये जो एबीसीडी तुमने लिखा है इसकी यूसेज पे तुम्हें कम से कम एक से तीन क्वेश्चन मिलने हैं, राइट. तो हमने देखा भाई ओ के हमारी की पोजीशन आगे से 15 है, राइट. पीछे से हमने देखा 15 पोजीशन पे कौन सा है, तो 15 पोजीशन पे हमें कौन सा दिख रहा है, ये देखो
ये दिस इज 11 12 13 14 15 तो ये हमें एल ही दिख रहा है. तो यहाँ पे हम लोग कंफर्म होते हैं कि पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो रही है. अब वी की पोजीशन आगे से कितनी है, वी की पोजीशन ये देखो ये तुम्हारा क्या था 22 नंबर पे है वी. तो पीछे से 22वें नंबर पे कौन सा होगा, आओ देखते हैं ये कितना हो गया, ये हो गया 21. तो ये क्या आ गया बेटा 22 यानी कि ई राइट. आई की पोजीशन आगे से 9, पीछे से 9वें पे क्या है 6 7 8 9 यानी कि आर. आर की पोजीशन आगे से ये हो गया 18, पीछे से 18वें पोजीशन पे कौन सा है भाई 18वें पे ये हो गया 16 17 18 दैट इज आई. आई यू की पोजीशन आगे से कितनी है, ये आपका हो गया 20 और ये 21. यू की पोजीशन आगे से 21, पीछे से 21वें नंबर पे क्या है 21वें नंबर पे हमारे पास एफ है राइट. एस की पोजीशन आगे से 19 नंबर पे, पीछे से 19 नंबर पे क्या है राइट. तो देखते हैं 16 17 18 19 दैट इज आंसर. सो इट इज कमिंग आउट टू बी ई आर आई एफ एच, ई आर आई एफ एच राइट. आप में से ई आर आई एफ एच देने वाले कई सारे लोग हैं. अनुराग इज देयर, रमन सक्सेना इज देयर एंड देयर आर सम मोर पीपल हु आर देयर. ठीक है, अनितेश का भी आंसर सही है. तो एक इजी क्वेश्चन था जो मुझे उम्मीद है तुम बहुत आसानी से समझ गए होगे राइट. मेन चीज ये था कि तुम इस बात को समझो कि जब एग्जाम शुरू होगा तो ये काम कर लेना. ठीक है, बाकी डेफिनेटली हमारी प्रैक्टिस है ओके, जिसपे कि हम क्वेश्चंस को स्पीडली सॉल्व करते हैं. ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. आइए आगे बढ़ते हैं. क्या बात है, हमें अनितेश बड़े स्माइल कर रहे हैं. लो भाई अगला सवाल करके बताओ जरा. हाँ चलो ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ. Try this question now. एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि अगर k और 2k स्क्वायर हमारे दो रूट्स हैं इक्वेशन के. इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास, इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू राइट इज इक्वल टू जीरो लिखना चाहिए था राइट. इक्वेशन है तो इज इक्वल टू डेफिनेटली होना चाहिए राइट. अदरवाइज ये क्या एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है. इक्वेशन तब बनता है जब इट इज इक्वेटेड टू समथिंग ओके. तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट. वैल्यू किससे पूछी गई, हमसे पूछी गई q प्लस 4q स्क्वायर प्लस 6pq और आपके ये चार ऑप्शंस हैं. जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं, हालांकि ये सब चीजें 9th-10th में ही पढ़ाई जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट. द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं. तो मैं उसका बेसिक जिसको आता है वो मुझे आंसर बताएं चैट बॉक्स का यूज करके मुझे आंसर बताना. और जिसको इसके बेसिक्स नहीं आते ध्यान से सुनो, 2 मिनट का टॉपिक है अभी, अभी समझ में आएगा राइट. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो राइट. दिस इज योर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, इसके जो रूट्स होते हैं यानी कि वो एक्स की वैल्यूज जिसके लिए ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा यानी ये एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा. ठीक है, उसको हम लोग रूट्स कहते हैं इंग्लिश में. ठीक है, वो एक्स की वो वैल्यू होती है. तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, एक्स की दो वैल्यू होती है, एक होता है तुम्हारा माइनस बी प्लस, एक बार प्लस और एक बार माइनस. अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए. ठीक है, तो ये जो चीज होती है तुम्हारी राइट, इसी को हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, ये तो इसके पीछे का बेसिक नॉलेज है जो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अगर एक को मैं अल्फा कह दूं और दूसरे को बीटा कह दूं, अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा मान लो प्लस वाले को कह देते हैं और बीटा माइनस वाले को कह देते हैं, तो यहाँ पे दो बातें और हैं जो तुम्हें ख्याल में रहना चाहिए. क्या कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इस रूट के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए हमेशा माइनस बी ओवर ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इसी इक्वेशन के लिए ये हमेशा सी बाय ए होता है. तो ये बेसिक बातें हैं, जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं आई एम श्योर उनको ये बातें पता हैं, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया है भाई. पता होने के बावजूद इस बार एक भी आंसर नहीं आया मेरे पास, क्या बात है. देखो तो बात ये समझ में आनी चाहिए बेटा कि सिर्फ मैथमेटिक्स के नॉलेज से एप्टीट्यूड नहीं बनने वाला, सिर्फ मैथमेटिक्स के नॉलेज से एप्टीट्यूड नहीं बनने वाला. इस बात को आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है राइट, 9th-10th लेवल का क्वेश्चन है,
लेकिन जब एप्टीट्यूड में पूछते हैं तो पूछने का तरीका बदल जाता है और इसीलिए क्वेश्चन बन जाता है डिफिकल्ट, राइट। डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूंगा, इसको ट्रिकी कहूंगा। तो ध्यान से देखो, ये टॉपिक क्या है, अलजेब्रा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें आता है, अलजेब्रा में आता है, ठीक है। तो अलजेब्रा में एक ना बड़ी खास बात है, देखो बेटा आप जितने अच्छे गणित में हैं या आप गणित में अच्छे नहीं भी हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका तर्क, आपकी लॉजिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी लॉजिक बढ़िया है तो आप एक्सट्रीमली अच्छा कर लेंगे, और अगर आपका लॉजिक बढ़िया नहीं है तो फिर आपको परेशानी आएगी। किसी ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, आई होप दैट इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम लगा दिया तुमने इसका आंसर देने में, तुमने बहुत टाइम लगा दिया। देखो ध्यान से समझो, आई होप तुम्हारा आंसर सही होगा, राइट। मुझे आंसर्स याद नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ अभी मैं आपके साथ इसको सॉल्व करूंगा। ध्यान से सुनना, जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और ये बेसिक नॉलेज मेरे पास है, ठीक है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को एप्टीट्यूड के तरीके से करना इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं ऐसा कहूंगा एमसीक्यू क्वेश्चन को एमसीक्यू के तरीके से ही करना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, करके बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से सब लोग सुनिए, ज्योति का आंसर आया बी, ठीक है। देखते हैं बेटा, अनुराग ने डी बोला है, ज्योति ने बी बोला है, दो लोगों का आंसर आया है, रजत ने डी बोला है, दैट इज ओके, राइट। टाइम कम है बेटा तो ज्यादा मैं रिस्पॉन्सेज नहीं पढ़ पाऊंगा, राइट, क्योंकि फिर डिलीवरी कम हो पाएगी ना, इसलिए ध्यान से सुनिए। प्रफुल का भी आंसर डी है, दैट इज ओके, आप आंसर मैच करो। अभी ध्यान से देखो, मैं चैट से फिर चैट ही पढ़ता रह जाऊंगा, पढ़ाने का काम कम हो पाएगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए, राइट। देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना चाहिए था, ध्यान से सुनो। आपके पास रूट्स क्या दे रखे हैं, के और 2k2, ठीक है। अलजेब्रा की एक ना बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्या, मैथमेटिक्स में ना कोई भी चीज अगर सही है तो वो हर चीज के लिए सही है, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंग्लिश की तरह, फिजिक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह, हिस्ट्री की तरह, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई चीज सही है तो वो सबके लिए सही है, राइट। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भैया नहीं बीयूटी बट होगा, पीयूटी बट नहीं होगा, वो पुट होगा, राइट, एक्सेप्शन है। बट यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, राइट। मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी बात क्या है, इट इज परफेक्ट, कहीं कोई यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है किसी चीज का, राइट। तो यहाँ पे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो चाहे मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू कुछ भी रख दूं, 0.1, 0.2, 100, 200, 1 लाख, जो मर्जी रख दूं, ये सब के लिए वैलिड होगा, इट इज वैलिड फॉर एवरीथिंग। ठीक उसी तरीके से ये जो फॉर्मुलेज हैं जो हमने अभी आपको बताए, आप में से कई लोगों को आते होंगे आई एम श्योर, बिकॉज 9th-10th की मैथ से आई है, ठीक है। तो ये सबके लिए ट्रू है, चाहे a और b की वैल्यू जो मर्जी रखी हो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि आपको कोई कंस्ट्रेंट अपने ऊपर लगाना ही नहीं चाहिए। आप क्या करें, आप उसको कंस्ट्रेंट से फ्री करें। कंस्ट्रेंट से फ्री करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई। यहाँ पे इन्होंने बोला कि रूट्स क्या है, के और 2k2। हमने रूट्स का नाम अभी क्या बोला था, अल्फा और बीटा, चाहो तो कुछ और भी कह सकते हो, जनरली यही चलता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो मैं क्या करूंगा, के की वैल्यू कुछ भी ले लूंगा, जो भी दिल चाहे वो ले लूंगा। मैं k को मान लेता हूँ 1, तुम कहोगे कुछ और मानने को, तो कुछ और भी मान के ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इट विल बी ट्रू। क्यों, क्योंकि अलजेब्रा है ना यार, एक वैल्यू के लिए सही है तो सबके लिए सही है, ठीक है। तो मैंने अल्फा इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 लिया, तो 2k2 कितना बन गया, 2k2 2 बन गया। मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई 1 और बीटा की वैल्यू मिल गई 2। अब ये वाली चीज मुझे मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास इस केस में कितना है, इट इज 1 plus 2 यानी कि 3। और इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन में a कितना है, 1, ध्यान से देखो, it is 1 into x square, right? b कितना है, minus p, और c कितना है, it is q। तो हमारा क्या आंसर है, minus b by a, minus b यानी कि p का minus, तो क्या बनेगा, plus p upon 1। तो क्या हमें p की वैल्यू पता लग गई, कितनी आ गई, 3। सिमिलरली अगर मैं अल्फा इंटू बीटा देखूं, अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, सी बाई ए। सी मेरे पास यहाँ पे कितना है, क्यू अपॉन 1, और यहाँ पे अल्फा बीटा कितना है, 1 और 2, तो 1 into 2 कितना होता है, 2। तो ध्यान से देखो बेटा, जो क्वेश्चन करने के लिए लोग बहुत सोचेंगे, आपने करके एकदम खत्म ही कर दिया, राइट। आपको पता लग गया पी और क्यू की वैल्यू कितनी है। द प्रॉब्लम विद अलजेब्रा इज दैट वेरिएबल्स क्रिएट प्रॉब्लम्स, सो यू रिप्लेस द वेरिएबल्स, नो यू रिप्लेस विद देम विद नंबर्स। यहाँ कोई 9th-10th का एग्जाम होने चल रहा है कि स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, ये एप्टीट्यूड का पेपर है, इसमें तुम्हें आंसर निकालना आना चाहिए। अगर तुम आंसर निकालना जानते हो तो तुम खिलाड़ी हो, और नहीं तो तुम अनाड़ी हो, राइट। आंसर कैसे निकालोगे, बेसिक अपने लॉजिक को साथ रख के, राइट। तुम्हारा लॉजिक साथ होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमने जैसे ही इस बात को समझा कि भाई हमने के की, तुम कुछ और वैल्यू लेके भी देख लेना, आफ्टर द क्लास यू ट्राई सम अदर वैल्यूज, इट विल बी ट्रू फॉर एवरी सिंगल थिंग, हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा,
मैंने k इक्वल टू 1 क्यों लिया, तुम ये भी पूछ सकते थे, इसलिए लिया था कि कैलकुलेशन कम से कम आनी चाहिए, कम से कम एफर्ट में आंसर निकालने की हैबिट बनाओ, कम से कम एफर्ट में आंसर निकालने की हैबिट डेवलप करो, लॉजिक डेवलप करो, ठीक है। जैसे ही मैंने ये लिया, अब सब कुछ क्लियर हो गया, मुझे p की वैल्यू 3 दिख रही है, q की वैल्यू 2 दिख रही है, जो पूछ रहे हैं मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में आंसर निकालूंगा, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज मैं यहाँ से हटाता हूँ और यही इस डब्बे में इसका आंसर लिखता हूँ, ध्यान से देखो, ये p की 3 और q की 2, q की जगह पे मैंने 2 रखा, 4q square कितना हो गया, 4 × 4 ये 16 हो गया, और 6pq कितना हो गया भाई, 2 × 3 6, 6 × 6 ये हो गया 36, ये कितना आ गया तुम्हारे पास, 36 और 16 ये हो गया तुम्हारे पास 54 और ये 56 आ रहा है क्या, राइट ना, कितना आ गया ये, दिस इज कमिंग आउट टू बी 54 आ रहा है, 54 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो एक्सप्रेशन पूछ रखा है उसका तुमने बिना कुछ खास एफर्ट लगाए, ध्यान से देखो, तुमने भी मैंने बेसिक बताया इसलिए तुम्हें टाइम लगा होगा, बट अदरवाइज अगर एफर्ट की बात करें तो कोई टाइम नहीं लग रहा ना यार, यहाँ तक पहुंचने में क्या हार्डली 10 सेकंड 15 सेकंड, राइट। और तुमने इसकी वैल्यू निकाल ली 54, अब मैं सिर्फ ये देखूंगा कि 54 कहाँ आ रहा है, क्यू स्क्वायर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो क्या आंसर होगा, नहीं होगा। पी क्यूब कितना हो रहा है, 3 का क्यूब यानी कि 27, क्या आंसर है, नहीं है, 0 तो मतलब ही नहीं बनता। 2p³ यानी कि 2 × 27 कितना होता है भाई, 54, ऑप्शन नंबर डी, बातें समझ में आती है, जो पानी गर्म तो होगा, अरे यार तो कोई पानी नहीं है वहां पे, बड़े आसानी से कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने रखता हूँ, घबराना मत, ये जो वीडियो है मैं पूरा पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, राइट, और यूट्यूब पे मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा, वहां से भी आप इसको दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी डाल दूंगा, राइट, विद इन 1 आवर ऑन यूट्यूब, 1 घंटे के अंदर ही डाल दूंगा आफ्टर द क्लास। So coming to the next question, there's another good question, right? Again a very basic question. क्या है? The average weight of a group of boys is 20 kg. If two boys weighing 22 kg and मैं तुम लोगों की वीडियो थोड़ी सी बंद कर देता हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं पढ़ने में आ रहा, एक्चुअली मेरे स्क्रीन पे तुम्हारी वो आ रही है तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तुम्हारा वीडियो मैं ऑफ कर रहा हूँ। Okay. So now the weight जो है वो बॉयज का कितना है, द वेट ऑफ द बॉयज इज 20 kg और दो बॉयज हैं 22 और 23 किलो के जो इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। हमसे पूछा गया, बताइए कि अगर इनके ज्वाइन करने से ग्रुप का एवरेज x kg से बढ़ गया, जहां x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, 1, 2, 3, 4, ये 0 कोई प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर नहीं होती है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, राइट, ये आपके काउंटिंग नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके 1 lakh 1 crore, सब नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो x एक नेचुरल नंबर है, x एक प्राकृतिक संख्या है, तो पूछा गया बताओ x की वैल्यू कितनी है, ऑप्शंस दे रखे हैं तुम्हें 1, 5, इधर ए और बी, डी या फिर 3, ठीक है। ओके लेट मी चेक, अगर किसी ने कुछ आंसर दिया हो तो आओ एक बार देख लेते हैं। गाइस प्लीज मेक लेस नॉइज, अनेबल टू हियर, हां भाई तुम लोग बातें कम करो ना, मैंने बोला था ना फोन म्यूट पे लगा लो, फोन म्यूट पे लगा लो ना बेटा, इसीलिए मैंने अपना हेडफोन कान में नहीं लगाया, अदरवाइज मैं तुम्हारी बातों में ही रह जाता, पढ़ाई नहीं पाता, फोन म्यूट पे लगा लो ना बेटा, राइट। ओके प्लीज पुट योर फोन ऑन म्यूट बॉयज, राइट, ध्यान से सुनिए। तो अब यहां पे क्या है, यहां हमारे पास पूछा गया कि अगर इनके आने से क्या हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन है एवरेज का यानी कि औसत का, राइट, अगर बेसिक तरीके से करोगे तो अगेन करने में परेशानी आएगी। औसत हम सब लोग जानते हैं कि जो एवरेज होता है, इसकी अगर मैं बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो आई एम श्योर आप सब लोग जानते होंगे कि औसत यानी कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द एवरेज फॉर एनीथिंग, राइट। तो अगर मेरे पास औसत निकालना है तो ये हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि इन्होंने औसत बता रखा है 20, सम कितना है पता नहीं, नंबर ऑफ लोग कितने हैं पता नहीं, राइट, कितने लोग हैं पता नहीं, सम कितना है पता नहीं। लेकिन हाँ, फिर इन्होंने ये कहा कि जब इसमें दो लोग और ऐड हुए, ठीक है, दो लोग जो ऐड हुए हैं, जो सम था प्लस 22 किलो वाला व्यक्ति आया और 23 किलो वाला व्यक्ति आया, और लोग कितने हो गए, जितने थे उसमें दो और बढ़ गए तो अब n प्लस 2 हो गए। इसकी वजह से जो औसत है वो 20 से बढ़ के 20 प्लस x हो गई, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ अभी सवाल समझा रहा हूं, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, मैं ऐसे सॉल्व ही नहीं करूंगा,
ये सिर्फ मैं तुम्हें सवाल अभी समझा रहा हूं कि सवाल को ऐसे तुम समझ सकते हो, ये बेसिक चीज तुम्हारे सामने है, राइट। हाँ, अब कुछ बच्चे जो है आराम से बेड पे लेट के पढ़ाई कर रहे हैं, अरे फिल्म नहीं देख रहे भाई, पढ़ाई कर रहे हो, जरा बैठ जाओ हैं मोहम्मद फैजू, बैठ के देख लो थोड़ा, बैठ जाओ थोड़ा, एक्टिव हो जाओ, पेन पेपर निकालो, पढ़ाई के मूड में आओ। हाँ, घर पे क्लास मिल रही है, इसका ये मतलब नहीं कि आराम से लेट के बैठ के पढ़ रहे हो, थोड़ा सीरियस होके पढ़ो यार, ठीक है। तो जब ये चीज आपके सामने आ गई बच्चों, राइट, जैसे ही आपने इस बात को समझ लिया कि हाँ एवरेज का ये बेसिक क्वेश्चन है, अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस पैटर्न से करूंगा तो डेफिनेटली मैं कर लूंगा, बट बहुत टाइम लगेगा, राइट, इसको सॉल्व करने में मुझे काफी टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं कभी भी इसको इस तरीके से नहीं सॉल्व करूंगा, राइट, मैं इस क्वेश्चन को कभी भी इस तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा, ओके। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखो, राइट, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देखूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई हमारा एवरेज बड़ा है तो वो इसकी वजह से बड़ा है। देखो बात को बहुत ध्यान से सुनना, राइट, ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, ज्यादा मैं आज डिस्कस भी नहीं कर पाया क्योंकि आज की क्लास में मेनली हमें ये देखना था कि क्लासेस कितनी इफेक्टिव हो रही है, अगर आपको फायदा हो रहा है तो फिर मैं देखूंगा, नितिन सर अगर कहते हैं तो और क्लास भी आगे ले लेंगे, राइट, अदरवाइज मैं आपको चीजें बता दूंगा जैसे कि आप कंटिन्यूअली पढ़ सकते हो, ठीक है, इवन आफ्टर दिस क्लास। तो इसमें ये ध्यान रखना कि जैसे ये कोई भी अगर 20 किलो का एवरेज वाला ग्रुप है, राइट, 20 किलो का एवरेज वाला ग्रुप है, अगर इसमें कोई 20 किलो का व्यक्ति आता, ये 22 किलो की जगह 20 किलो का व्यक्ति आता, 23 किलो की जगह 20 किलो का व्यक्ति आता, तो इसके एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, एवरेज कितना रहता, 20 ही रहता। लेकिन क्योंकि ये दोनों व्यक्ति एक्स्ट्रा अपने साथ लेके आ रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा ला रहे हैं, एक 2 किलो एक्स्ट्रा ला रहा है और एक 3 किलो एक्स्ट्रा ला रहा है, ये 5 किलो एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, ठीक है, टोटल कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं एवरेज से, 5 किलो एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। तो ये जो 5 किलो है ना, यही 5 किलो की वजह से वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज कितना है, एक्स, इंक्रीज पे ध्यान दो, इंक्रीज कितना है, एक्स। तो ये जो 5 किलो है इसकी वजह से ये एक्स का इंक्रीज है, लेकिन क्या ये 5 किलो पूरा पूरा बढ़ गया, नहीं, ये जो 5 किलो है ये सब में बराबर से बढ़ता है, कितने लोग थे, एन, अब कितने हो गए, एन प्लस टू, तो ये 5/n+2 ये हमेशा क्या होगा, एक एक्स होगा। अब देखो यहाँ पे बस, अब यहाँ तुम्हें लॉजिकल होना पड़ेगा, अब यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स से काम नहीं चलेगा, आपकी तर्क बढ़िया होनी चाहिए, राइट। तो हम इस बात को देखते हैं कि भाई n एक नेचुरल नंबर है, बिकॉज n तो नंबर ऑफ लोग हैं, तो लोग तो दो हो सकते हैं, लेकिन 2.5 या 3.25 तो नहीं होंगे, या फिर 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, एक संख्या ही तो होगी भाई, राइट। और x एक नेचुरल नंबर है, ये जानकारी इन्होंने सवाल में दे रखी है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, मैथमेटिक्स ये कहता है कि सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन लॉजिक ये कहता है सोचना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम इस बात को देखते हैं, राइट, हमने ये देखा कि अगर 5 को मैं किससे डिवाइड करूंगा ताकि यहां एक नेचुरल नंबर मिल जाए, 5 को या तो मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो नेचुरल नंबर मिलेगा, या फिर मैं 5 को 1 से डिवाइड करूं, भाई 5 एक प्राइम नंबर है, अविभाजित संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो 5 किससे विभाजित होगा, या तो 1 से, या फिर 5 से, अगर 1 से तो 1 से तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि n कोई नेचुरल नंबर है, कोई कुछ लोग थे उसमें हमने 2 ऐड किया तो 1 तो नहीं बन जाएगा, सिर्फ क्या बन सकता है, सिर्फ ये n प्लस 2 5 बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ n प्लस 2 कितना बन सकता है, 5 बन सकता है, यानी इस ग्रुप में पहले लोग कितने थे, 3 थे, हालांकि इन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन हम इस बात को समझते हैं। और ध्यान से देखो एफर्ट के नाम पे क्या एफर्ट है, बस ये एफर्ट है बेटा, दिस इज द ओनली एफर्ट, इन्होंने बोला x की वैल्यू कितनी होगी, कोई चक्कर ही नहीं, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, काम खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है, जिस जिसको बात समझ में आ गई फटाफट से जरा हैंड रेज करके बताओ, रेज योर हैंड फास्ट, राइट, दैट इज गुड, चलो अच्छी बात है, राइट, ध्यान से देखेंगे भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लेना, मैंने ये कहा कि आप बेसिक तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हो सकता है आप आंसर तक पहुंच जाएं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो, लेकिन आप बहुत टाइम खराब कर देंगे, लेकिन अगर आप लॉजिक लगाएंगे कैलकुलेशन के साथ साथ तो आप जल्दी आंसर तक पहुंचेंगे। और एप्टीट्यूड के एग्जाम में आपको पता है टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इस बात को क्लियरली देख पा रहे हैं बच्चों कि एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, ये 2 किलो आ रहा है, ये 3 किलो आ रहा है, टोटल कितना एक्स्ट्रा आया, 5 किलो आया। ये जो 5 किलो एक्स्ट्रा आया है ये पूरे ग्रुप में बटेगा, कितने लोग थे, एन, कितने लोग आए, 2, यानी कि 5/n+2 इज इक्वल टू द इंक्रीज,
इंक्रीज कितना है एक्स, और ये बात हमें क्लियरली दे रखी है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, और ये हम हमारी तर्कशक्ति कहती है कि एन तो नेचुरल नंबर होगा क्योंकि एन लोग हैं ग्रुप में, कितने लोग थे तो नेचुरल नंबर ही तो लोग होंगे यार, दो होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, आठ होंगे, दस होंगे, ढाई या पौने तीन तो नहीं होंगे ना भाई, ठीक है। तो हमने उस हिसाब से देखा कि एन पांच को किस संख्या से डिवाइड करेंगे ताकि एक नेचुरल नंबर मिले, तो पांच को या तो एक से करेंगे या फिर पांच से करेंगे, तो ये पांच एन प्लस टू कभी हमारा एक तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो एन प्लस टू क्या बन सकता है, पांच, यानी एन की संख्या कितनी हो गई तीन, एक्स कितना आ गया एक, हमसे एक्स पूछा था, अगर एन पूछता तो हम एन भी बता देते, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, अगले क्लास थोड़ी सी एक्सीड हो गई है बट मैं अगले पांच सात मिनट और लूंगा फिर इस क्लास को ओवर करूंगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर हम लोग इस क्लास को फिनिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा मिस्टर हकीम, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है ये, टाइम डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चन है, राइट। मैंने जानबूझ के वही टॉपिक्स लिए हैं जो जनरल हैं, राइट, जनरल हैं इन द सेंस कि वो एमबीए वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीटेक वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट, मतलब सबके लिए है। मैंने बीटेक वाले क्वेश्चन एक भी नहीं लिए, ऐसा टॉपिक नहीं लिया मैंने जो सिर्फ बीटेक वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो टाइम डिस्टेंस स्पीड ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह तुम्हें दिखेगा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, राइट। इसको देखते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस का बेसिक नॉलेज मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते होंगे, राइट, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड सो ऑन। मैं अक्सर ये ट्रायंगल बना दिया करता हूँ जब ये टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, और मैं इसको बोल देता हूँ डीएसटी ट्रायंगल, क्या बोलता हूँ डीएसटी ट्रायंगल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक ट्रायंगल से ही सारी बात निकल के आ जाती है, राइट। वन ट्रायंगल इज इनफ टू टेल यू एवरी स्टोरी, राइट, एवरीथिंग अबाउट एवरी फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बात जो है ये आप इस ट्रायंगल से ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद की बात अगर हम देखें कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे हम इसको करेंगे, आइए देखते हैं, बढ़िया सवाल है। मिस्टर हकीम गेट्स आउट एट अ रेलवे स्टेशन 2 hours अर्लियर टू हिज शेड्यूल्ड अराइवल, यानी ये रेलवे स्टेशन से कभी मिस्टर हकीम उतरते थे, ठीक है, और आने से 2 hours पहले जो इनका आने का निर्धारित समय था, शेड्यूल्ड अराइवल मतलब जो उनके आने का निर्धारित समय था उससे 2 hours पहले ही आ जाते हैं, यानी कभी ये मान लो 3 hours आते थे तो ये क्या हो गया, एक दिन जो है ये t-2 hours आ गए, यानी ये 10 hours आते थे तो 8 hours आ गए, ठीक है। बात को अपने तरीके से समझने का प्रयास करो, ओके। ही वॉक्स एट 3 miles per hour एट द सेम टाइम, ठीक है, इनकी स्पीड दे रखी है इन्होंने कितनी, 3 miles per hour mph, mph जनरली माइल्स पर आवर की, जैसे kmph होता है ना किलोमीटर पर आवर, ऐसे mph भी होता है, ठीक है, ओके, 3 miles per hour एट द सेम टाइम व्हेन ही लेफ्ट द रेलवे स्टेशन अ कैब लेफ्ट हिज हाउस, जब ये जिस वक्त ये रेलवे स्टेशन से निकले उस समय इनके घर से एक कैब निकली, ठीक है, कैब निकली, कैब यानी कोई भी टैक्सी हो सकती है, राइट, एक कैब निकली, सो दैट द रीच द स्टेशन जस्ट इन टाइम, ये कैब इस हिसाब से निकली कि ये सही समय पे पहुंच सके, यानी ये कब पहुंचेगी, 3 hours ही पहुंचेगी, राइट, ये 10 hours आते थे तो ये अपने निर्धारित समय से निकली है कि भैया मुझे 10 hours ही पहुंचना है, जबकि ये 8 hours पहुंच चुके हैं 2 hours पहले, है ना। तो मैं चीजों को अगर नंबर्स दोगे ना तो चीजें आसान दिखेंगी, अब इन्होंने बोल दिया 2 hours पहले तो परेशानी हो रही है, तुम कोई बात नहीं तुम आसान कर लो ना यार, तुम मान लो ये 10 hours आते थे रोज सुबह, आज ये क्या हो गया 2 hours पहले आ गए तो सुबह 8 hours आ गए, ठीक है, ट्रेन 2 hours पहले आ गई, राइट। हालांकि ऐसा होता नहीं है 2 hours पहले आ जाए, लेकिन लॉकडाउन में कुछ भी संभव है और एप्टीट्यूड के एग्जाम में तो बिल्कुल ही संभव है, ठीक है। आइए देखते हैं, ही लेफ्ट रेलवे स्टेशन एंड हिज कैब लेफ्ट हिज हाउस, जिस समय ये रेलवे स्टेशन से निकलते हैं यानी कि कैब कितने बजे निकली, सुबह 8 hours निकली, राइट, समझने की बात ये है, ओके, फाइन, जस्ट ऑन टाइम। यानी एक बात यहां से बड़ी क्लियर होती है बेटा कि कैब को रेलवे स्टेशन पर, ये बात देखो कहीं तुम्हें दिख नहीं दिखेगी, कहीं भी पूरे सवाल को पढ़ोगे तुम्हें ये बात नहीं दिखेगी कि कैब को रेलवे स्टेशन पहुंचने में 2 hours लगते हैं। ये बात आपकी तर्क शक्ति आपको बताएगी, ये लॉजिक आपको बताएगा कि भाई अगर ये निर्धारित समय पे निकला और निर्धारित समय पे पहुंचने वाला था और वो उस समय निकला जब वो वहां पहुंचे हैं, राइट, 2 hours पहले, तो मतलब कैब को समय कितना लग रहा था बेटा, 2 hours में कैब पहुंच रही थी, ये बात समझने की है, ठीक है, ओके, जस्ट ऑन टाइम। ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स हिज हाउस, जबकि मिस्टर हकीम ने क्या किया, मिस्टर हकीम 2 hours पहले पहुंच गए और वो वॉक करना शुरू कर दिए, सोचे वेट क्यों करें, वॉक करना शुरू कर देते हैं, तो वॉक करना शुरू कर दिए। ही गॉट हिज कैब ऑन द वे एंड रीच्ड हिज हाउस, रस्ते में उनको कहीं पे कैब वाला मिल गया और वहां पे वो बैठ गए और घर पहुंच गए, एंड रीच्ड हिज हाउस 1 hour बिफोर, निर्धारित समय से 1 hours पहले घर पहुंच गए, निर्धारित समय से 1 hours पहले घर पहुंच गए,
ये बात इनको बताई गई सवाल में, हमें बताई गई, ठीक है, ओके, दैट इज वेरी गुड. क्या बोल रहे हैं? व्हाट एवरीबॉडी थॉट एज इज शेड्यूल्ड अराइवल टाइम, जितने बजे वो पहुंचते थे उससे एक घंटे पहले वो घर पहुंच गए, बहुत बढ़िया. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन और घर में कितनी दूरी है, इनके बीच में घर कितनी दूरी है, ये हमें बताना है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. देखो बेटा, एक बात तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जब ये एक घंटे पहले पहुंचे तो एक घंटे पहले क्यों पहुंचे? अगर ये कैब पूरा स्टेशन तक जाता और फिर वापस आता तो अपने समय से ही पहुंचते ना. एक घंटे पहले शायद इसलिए पहुंचे कि जितने देर में मिस्टर हकीम ने ये दूरी तय की वो वाली दूरी कैब की बच गई. यानी एक घंटे बचे, मतलब क्या बचे बेटा? आधा घंटा जाने का और आधा घंटा आने का. यानी कैब वो वाली दूरी जो मिस्टर हकीम ने दो घंटे में तय की, राइट? मिस्टर अब कैब की स्पीड कितनी है हमें नहीं मालूम, लेकिन कैब उस दूरी को, राइट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कैब उस दूरी को कितने देर में तय करता? आधे घंटे में, राइट? और मिस्टर हकीम ने ये वाली दूरी कितने स्पीड से तय की है? 3 miles per hour. और कितने देर में तय की है? दो घंटे पहले चले और आधे घंटे पहले मिले. यानी वो कितने देर चले? डेढ़ घंटे चले. डेढ़ घंटे को अगर लिखना चाहे तो क्या 3/2 लिख सकते हैं? यस. जैसे ही हमने ऐसे लिखा तो तुम्हें कैब की स्पीड पता लग गई. भाई कितनी आ गई? 9 miles per hour. अगर कैब की स्पीड पता लग गई तो अब तो कोई चक्कर ही नहीं है भाई, राइट? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. टाइम हमने दो घंटे पहले निकाल लिया था, स्पीड अब निकल के आ गई, तो आंसर कितना हो गया? 18 miles per hour. व्हाट इज द आंसर? बी ऑप्शन. ओके, सो कमिंग आंसर इज 1. आंसर 1 गलत है बेटा, सोना सिंह गलत हो गया बेटा. कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया ना. सो द आंसर इज व्हाट? 18 miles per hour. जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं आपको जो है इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा और ये वीडियो भी मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा. सेशन खत्म होने से एक घंटे के अंदर मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा. मैं बता भी देता हूँ कहाँ पे होगा, राइट? आप देख लीजिए. एक क्वेश्चन और है जो चाहे उसको ट्राई कर सकते हैं, और इसके बाद जहाँ पे मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, राइट? आप जो है यूट्यूब पे ये चैनल है PREPMASTERS, प्रेप मास्टर्स, ठीक है? इसमें बहुत तरह के वीडियोस हम लोग डालते रहते हैं, ज्यादातर वीडियोस आजकल लॉकडाउन में तो मैं ही डाल रहा हूँ, राइट? आप इसमें एक प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में, राइट? प्लेलिस्ट में आप प्लेसमेंट एप्टीट्यूड, एक प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, प्लेसमेंट एप्टीट्यूड. इसमें बहुत सारी वीडियोस आपके काम की मिलेंगी आपको. कई सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे पढ़ा रखे हैं, ढेर सारे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे क्वेश्चंस, राइट? कैट और IAS लेवल के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है? तो प्रेप मास्टर्स सर्च करना, ठीक है? प्रेप मास्टर्स में जाकर के प्लेलिस्ट में प्लेसमेंट एप्टीट्यूड में चले जाना, यहाँ तुम्हें सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है? ये जो भी वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगा ये भी मैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर ही अपलोड करूंगा, ठीक है? इतना ही नहीं, तुम अगर और भी अपडेट्स, जो भी चीजें, मैं ऑलमोस्ट रोज 2-3 क्लास लाइव लेता हूँ, ठीक है? हालांकि वो अलग अलग होती है, IIT की होती है, एप्टीट्यूड की होती है, 11-12 की, अलग अलग लेवल की क्लासेस होती हैं, ठीक है? तो आप अगर जुड़ना चाहें तो फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, राइट? फेसबुक पे हमारा जो पेज है वो NBA बरेली के नाम से है, ठीक है? आपको यहाँ भी अपडेट्स मिल जाएंगे. फेसबुक पे हमारा रेवोल्यूशन क्लासेस के नाम से भी यह है पेज, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, रेवोल्यूशन क्लासेस. और अभी इंस्टाग्राम पे 2 दिन पहले मैंने अपनी ID बनाई है, राइट? बिल्कुल अभी 2 ही दिन हुए हैं मुझे. कई लोगों ने बोला सर आजकल की नई जनरेशन इंस्टाग्राम पे है. चलो ठीक है भाई, हम भी आ जाते हैं, हम कौन से अपने आपको पुरानी जनरेशन की समझते हैं, राइट? अभी 37 साल की तो उम्र हुई है यार, बहुत ज्यादा बूढ़े थोड़े हो गए. तो इंस्टाग्राम पे जो मेरा है इसमें है मेरा नाम मैथ्स MATHS मैथ्स बाय इंजीनियर ऋषि देव, डबल आ रहा है, एक इंजीनियर वाला. तो इन जगह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे से जुड़ सकते हैं, राइट? फेसबुक पे कई सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं. फेसबुक पे मेरा सिंपल ऋषि देव के नाम से ही है. तो आप इस जगह पे जुड़िए, राइट? कहीं कोई भी अपडेट होता है बताइए, पूछिए, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम कोई बच्चा मेरे से ऑनलाइन भी अगर कोई सवाल पूछता है तो मैं कोशिश करता हूँ बताने की, राइट? 100% तो नहीं बता पाता, बट यस, एटलीस्ट 70-80% लोगों को मैं रिवर्ट कर देता हूँ. कई बार ऐसी चीजें होती है ना, जैसे ये चीजें अगर तुम बोलोगे कि सर बताओ तो मैं सॉल्व करके दे तो सकता हूँ,
लेकिन जो चीज मैं तुम्हें कम्युनिकेट करना चाहता हूँ यहाँ वीडियो में या फिर क्लास में, वो चीज लिख करके फोटो खींच के बात नहीं बनती है, राइट? अब जैसे ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, राइट? लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आई रिपीट दैट अगेन, राइट? ये वीडियो आपको प्रेप मास्टर्स के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, ठीक है? यू विल फाइंड इट ऑन यूट्यूब, कहाँ पे? प्लेलिस्ट में, प्लेसमेंट एप्टीट्यूड में, ओके? तो यहां से आप ये देख सकते हैं, पीडीएफ में नितिन सर को फॉरवर्ड कर दूंगा, राइट? फेसबुक पे एनबीए बरेली या रेवोल्यूशन क्लासेस से जुड़ जाना, यहाँ भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे मैथ्स बाई इंजीनियर ऋषिदेव, राइट? ये तीन चार जगह पे मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो गया लॉकडाउन के फेज में, बिकॉज और कोई मीडियम नहीं है बच्चों के साथ जुड़ने का, इसलिए इन चीजों पे मैं पहले इतना एक्टिव नहीं था, अब थोड़ा सा हो गया हूं। बल्कि इस पे तो मैंने अकाउंट भी दो दिन पहले ही बनाया, बच्चों ने जरूर से बनवाया है, इसे बनाओ बनाओ बनाओ। एनीवेज, सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, राइट? लेट्स सी दिस गिवन सीरीज। अब ये थोड़ा सा प्रिंटिंग अच्छी नहीं आई है, मैं इसको लिख देता हूं। ये 2/1 फैक्टोरियल है, राइट? जो नॉन मैथ्स के बच्चे हैं वो घबराए नहीं, फैक्टोरियल कोई बहुत अनोखी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो मैं अभी आपको, अगर आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता है नॉन मैथ्स वालों को, तो अभी एक ही मिनट लगेगा बताने में, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बेसिक सी बात है। I'll just tell you, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है मैंने, और ये डैश डैश का मतलब होता है कि ये सीरीज कहाँ तक चल रही है, इन्फिनिटी तक चल रही है, एक इन्फाइनाइट सीरीज है। जब कोई भी डैश लिखते हैं इसका मतलब होती है इन्फाइनाइट सीरीज। हाँ, पहले ये बता दो ये फैक्टोरियल क्या होता है, तो चलो ये 3 फैक्टोरियल बता देता हूँ, ठीक है? फैक्टोरियल कुछ और नहीं होता बेटा, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। 3 फैक्टोरियल कितना है? 1 × 2 × 3, व्हाट इज दैट? 6। 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1, राइट? 1 फैक्टोरियल इज 1, ओके? 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 1 × 2, 2 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल कितना होगा भाई? 5 फैक्टोरियल 1 से लेके 5 तक सबको गुना कर देना, 1 से लेके 5 तक सबको गुना कर देना, मेरे ख्याल से 120 आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से फैक्टोरियल का मतलब पहले आपको समझ में आना चाहिए था, जो मुझे उम्मीद है आप सभी को आ गया होगा, राइट? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन चिल्ड्रेन, देन विल मीट ऑन सम अदर डे, राइट? बाकी आप सोशल मीडिया पे फॉलो करेंगे तो रोज ही मुलाकात हो सकती है वहां, बिकॉज वहां मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, कोई भी अपडेट होती है तो मैं जरूर से वहां पे डाल देता हूँ। तो देखिए, आई विल टॉक ऑफ दिस क्वेश्चन पार्टिकुलरली, राइट? अब देखो, एक तरीका तो ये है कि ये वो बच्चे करेंगे जिनकी मैथमेटिक्स एक्सट्रीमली अच्छी है, राइट? वो क्या करेंगे? उनको ये पता है कि ई क्या है, राइट? उनको 11th 12th में आईआईटी की तैयारी उन्होंने बहुत अच्छे से की थी, और दे नो दैट व्हाट इज द एक्सपेंशन फॉर ई रेज टू द पावर एक्स। व्हाट इज दैट? इट इज ई 1 × 1 × 1 × 2 × 1 × 3 × and so on. E raised to power x is what? It is an infinite series. क्या होती है? एक infinite series होती है. अब अगर तुम इस बात को समझते हो बेटा, तो ये जो infinite series है, अब ऐसे तो बात नहीं बनेगी यार. Aptitude के question में mathematics लगाना बहुत बुद्धिमानी नहीं है. उसमें तुम aptitude ही लगाओ तो अच्छा है. तुम्हें हो सकता है question दिखे कि ये तो maths का है, लेकिन तुम अगर सही, मैंने क्या बोला, समस्या सेम होती है, उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से सवाल कर सकते हैं, एक्सट्रीमली बेसिक, राइट? और ये बहुत अच्छे एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट? IIFT एग्जाम होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, उनका MBA एंट्रेंस का 2008 का एक्चुअल क्वेश्चन है, इंटरनेट पे डालोगे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? क्वांट का एक्चुअल क्वेश्चन है ये, और इस तरह के एग्जाम में कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे बैठते हैं, बीकॉम वाले बच्चे भी बैठते हैं, बीए वाले बच्चे भी बैठते हैं, यानी डेफिनेटली वो सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं। इसमें बेसिक नॉलेज क्या चाहिए, ध्यान से सुनना, बेसिक नॉलेज ये चाहिए कि E की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम सबको बताओगे कि पाई की वैल्यू क्या होती है, सबको बताओगे, पाई सबको पता रहता है, चाहे तुम मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ो या ना पढ़ो, सब जानते हैं कि भैया पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। लेकिन मैं बता दूं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है? सिमिलरली E भी एक कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू भी 2.7 होती है, ध्यान रखना। E क्या है? एक कॉन्स्टेंट है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल कॉन्स्टेंट है, जैसे पाई होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.7 होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो अगर आप सिर्फ इतनी सी बात को समझते हैं कि E एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.7 है, तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है? देखो कैसे, तुम ये देखो कि ये सीरीज चल रही है इनफिनिटी तक, जरा इसमें हो क्या रहा है देखें, जरा आओ देखते हैं। 2/1 लेता हूं मैं इसको, 3/2 1.5 ले रहा हूं, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6/6 एक रह गया, 11/4 होता है तुम्हारा 24, तो ये लगभग 0.5 से छोटा है, ठीक है? 0.45 के आसपास ले लेता हूं,
5 factorial 120 होता है राइट, 18/120 ये संख्या ध्यान से देखो छोटी होती जा रही है, छोटी 2, 1.5, 0.45 ये तो लगभग 0.1 के आसपास भी है और आगे ऑब्वियसली बात है ये संख्या और छोटी होती चली जाएगी राइट। मैं अगर देखूं कि ये है क्या तो मैं देखता हूं 2, 1.5, 3, 1, 4.5, 5 और बहुत छोटी छोटी संख्या है तो ये जो चीज है ये 5 से थोड़ी सी अधिक होगी, स्लाइटली ग्रेटर देन 5। ये जो सीरीज चल रही है मेरे पास ये सीरीज का सम क्या होगा 5 से थोड़ी सी अधिक। अब ये क्वेश्चन इतने पे ही समाप्त हो गया बच्चों। कैसे? e की वैल्यू 2.7 मालूम है तो 2.7 में से एक गया तो कितना हो गया 1.7 और 17 51 यानी ये कितना रह गया 5.1 रह गया। ठीक है ये आंसर हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना जब तुम लॉजिकल तरीके से करते हो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ एलिमिनेशन, यू आर एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, तुम ऑप्शंस को काट रहे हो राइट, तुम ऑप्शंस को कैंसिल कर रहे हो। जब तक तुम सारे ऑप्शंस कैंसिल नहीं कर सकते तो यू कैन नॉट टिक वन, आप एक को ऐसे टिक नहीं कर सकते जब तक आप सारे को कैंसिल ना कर दें। तो यहां पे मैंने देखा ये कितना हो गया 2.7 3.7 × 3 ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई भाई, 5 से बड़ी होनी चाहिए थी। ये 3e कितना 9+10 यही बहुत बड़ी हो गई और ये e-2 ये कितना हो गया 2.7 × 3 यानी कि 2.1 ये तो 2.1 हो रहा है जबकि 5 होना चाहिए। तो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है ये, क्या ये सही आंसर है? डेफिनेटली यही सही आंसर है। इज इट ओके चिल्ड्रेन? ओके सो आई विल स्टॉप इट हियर, काफी लंबा सेशन चल गया राइट। आई होप आपने कुछ चीजें यहाँ पे सीखी होंगी और कुछ और अगर डाउट हो तो डेफिनेटली मैंने तुम्हें अपना सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट दिया है तो वहां पे मुझे पोस्ट करके बताओ। हेमंत सर गुड आफ्टरनून, गुड टू सी यू सर, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है, एटलीस्ट कम से कम मुलाकात तो हो रही है सर राइट। और सो बच्चों मैं यहाँ पे फिर आपका ये सेशन अब ऑफ करना चाहूंगा राइट, इनकेस अगर कुछ और बात है तो प्लीज यू कैन गेट इन टच विद मी राइट। मैंने आपको बता रखा आप नितिन सर से कॉन्टेक्ट कीजिए, हेमंत सर खुद यहाँ बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है राइट, वी आर लकी टू हैव सर हियर। हेलो, हाँ जी सर, सर एम आई ऑडिबल? Absolutely audible, sir. Absolutely audible as well as visible. Actually, there is a bit confusion in my management students. अच्छा बताएं सर। उनका ये कहना होता है कि math background नहीं है तो they are quite unable to opt this ये वाला part जो आपका logical वाला है, aptitude वाला है, इसको वो ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाते। अच्छा ठीक है सर। तो इसको थोड़ा सा आप उनकी confusion दूर करिए। Definitely sir, definitely. Are they still online? Because around 35 students थे उस time पे जब हमने start किया था, but अभी मैं देख रहा हूँ around 23 हैं सबको मिला के। कोई बात नहीं, वो फिर मिलेंगे आपको। Right. मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि aptitude और mathematics में कुछ खास लेना देना नहीं है, हमने इसकी बात आज की क्लास में भी कई बार की। तो जितने भी बच्चे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम ये बताएं कि एप्टीट्यूड इज लॉजिक, उसका मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बहुत बेसिक मैथ्स होती है सर इसमें, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास तक की मैथमेटिक्स ज्यादा मिलती है, खास करके जो एमबीए के जो प्लेसमेंट एग्जाम्स होते हैं या बैंकिंग एसएससी के जो गवर्नमेंट जॉब में भी जो प्लेसमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें बेसिक मैथ्स होती है सर। और बेसिक मैथ्स को करने के लिए कहीं से कहीं तक आपका मैथ्स में अच्छा होना जरूरी नहीं है, हाँ आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए भाई, आपको तो डे टू डे लाइफ में भी जोड़ घटाओ तो करना पड़ेगा ना। सब्जी भी खरीदने जाओगे 20 रुपए किलो सब्जी है और तुम अगर 750 ग्राम लेके आ रहे हो तो कितने रुपए देने, ये तो पता होना चाहिए ना, यही सवाल तो होते हैं सर, यही वाला सवाल तो पूछते हैं एग्जाम में। गोइंग थ्रू योर दिस सेशन तो मैंने देखा आपने बहुत जगह लेंथी प्रोसेस ना अपना के लॉजिकल आप उसको बात कर रहे थे। बिल्कुल सर, यही लॉजिक ही चाहिए, अगर हमें एप्टीट्यूड है ना, ट्रिक्स हैं, ये अच्छा लगा। एब्सोल्युटली सर राइट। अल्टीमेट नितिन सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नितिन सर को बहुत बढ़िया चली इसी में, लॉकडाउन में कम से कम मुलाकात तो हो रही है। तो यही सब चीजें हैं कि बच्चे जब तक इस बात को, सबसे पहले तो सर ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स नहीं है, ये क्वांट है, क्वांट और मैथ्स में डिफरेंस है राइट। चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे भी ये सोचते हैं कि नहीं उनको मैथमेटिक्स बहुत आती है तो वो गलत सोच रहे हैं। मैथमेटिक्स के दम पे आप एप्टीट्यूड एग्जाम नहीं कर पाएंगे, अगर आप मैथमेटिक्स के दम पे करने की कोशिश करेंगे तो आप अपना टाइम खराब करेंगे, बात नहीं बनेगी राइट। आपको एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड के तरीके से ही करना पड़ेगा, आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, जब आप लॉजिकली करते हैं तभी बात बनती है ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं सर जो रेगुलरली बैच में भी बैठते थे, तो आई एम श्योर चीजें उनको समझ में आई होंगी और यूजफुल रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। एनीथिंग एल्स सर? नो नथिंग सर, थैंक यू, थैंक्स लॉट सर।
मोस्ट वेलकम सर. नितिन सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड आगे भी आपसे ऐसे ही क्लासेस लेते रहेंगे बच्चे. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके तो हमेशा ही अच्छा लगता है. नितिन सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं सर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. धन्यवाद सर. मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि जो टाइम बच्चों के साथ हमने बिताया वो बच्चों के लिए यूजफुल हो, राइट, उससे कहीं ना कहीं उनका फायदा हो, तो फिर ये सारी चीजें वर्थ है. अगर वो फायदा नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली जी जी सर, उनका फायदा हो तो सब कुछ बढ़िया है, और अगर उनका फायदा नहीं है तो सर सब बेकार है. तो आज के लिए यही रखते हैं सर. बहुत बहुत धन्यवाद आपने. सर देखिए, जब भी कोई काम होता है ना उसमें कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है, ठीक है. बस ये है कि बच्चा कितना ग्रहण करना चाह रहा है, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है. राइट राइट. हेमंत सर से मैं भी आजकल बड़ा इंस्पायर हूँ. देखिए सर, मैंने आप ही की तरह जो है ये हेयर कट आपकी तरह कर लिया सर. सही है सर, सही है. हेमंत सर तो उम्र के साथ साथ स्मार्ट होते जा रहे हैं.